आप लोग सोच रहे होंगे सुबह ही सुबह ये बंदा जो है बीच के कॉस्ट्यूम पे शॉर्ट वॉट पहन के कहाँ जा रहा है और भाई भी इतना हबड़दबड़ में लगा हुआ। तो भाई साहब हमारी गाड़ी जो है वो पिछले आधे घंटे से हमारा वेट कर रही थी, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए। आज हम जा रहे हैं पिकनिक पे, हमारा पूरा गैंग रेडी हो चुका है, हम सारे के सारे जो है बाहर आ चुके हैं, हमारे जेम्स बॉन्ड ये सारे दोस्त यार बैठे हैं और आज जो है हम जा रहे हैं पिकनिक में सारे। और शाहरुख भाई मुझे ये याद दिलाते हुए कि ये बंदा नहाता नहीं है, इसको आज हम खूब नहलाएंगे। तो शाहरुख भाई जैसे गाड़ी में बैठे तो पीछे हम दो बंदे रह गए, अब हम क्या, एक गाड़ी इस बंदे के लिए करवाओ अलग से और एक हम सबके लिए। तुम जा रहे हो नहीं, गाड़ी में बैठते ही आपके भाई ने जो है सबको याद करा दिया कि भाई सबसे पहले जो है अल्लाह का नाम ले लो, सफर की दुआ पढ़ लो, क्योंकि हम जा रहे हैं थोड़े लंबे सफर में और हमारी गाड़ी चल पड़ी। तो सबसे पहले हमने गाड़ी की टैंकी फुल करवा ली क्योंकि सफर जो है थोड़ा दूर का है, हम जो है लगभग दूर है, सबसे ज़्यादा दूर यही वाला पार्क है, बाकी ज़्यादा जितने भी है ना वो सब इससे पहले पड़ते। तो गाड़ी में खूब शुगर मेरा लगा हुआ था, कौन सा गाना चल रहा है कमेंट में बताइएगा, कॉपीराइट की वजह से आप लोगों को सुना नहीं सकते। तो अभी जो हमारा प्लान ये है कि हम सबसे पहले जो है थोड़ी सी ड्राइव करके मलीर वाली साइड में रुकेंगे, वहाँ पर हमारा नाश्ते का प्लान है, तो सुबह ही सुबह हलोपड़ी का नाश्ता हो जाए। तो इस वजह से हम रुकने वाले हैं अभी अलजन्नत के नाम से एक बेकर से, इनके पास सुबह का नाश्ता भी होता है हलवा पूड़ी का। तो यहाँ पर हम लोग उतर चुके हैं और यहाँ पर हमारा नाश्ता होगा हलवा पूड़ी का, साथ में हलवा होगा, सालन में छोले का सालन भी है और आलू का सालन भी है। तो मतलब मैंने जो है मतलब सोचा नहीं था कि इतना मतलब अच्छी हो गई है कि हलवा पूड़ी, मज़ा आया था मतलब बहुत खा के, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई थी। यहाँ पे देखें ये वैसे खाने के लिए लड़ लें, मजाक मस्ती कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना आप लोग सोच रहे हो कि शायद खाने के लिए लड़ लें, खाना भाई बहुत ज़्यादा था, इतना मंगा लिया था कि बच गया था थोड़ा बहुत। खैर मैंने हलवा पूड़ी चेक करी और मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ गई थी, इनकी पूड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, मज़ेदार। नाश्ता करने के बाद हमारी गाड़ी चल पड़ी और अब थोड़ी ही देर में जो है ना हम अपने डेस्टिनेशन अपने पार्क की तरफ पहुँच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम लोग जो है साथ खैरियत से पहुंच चुके हैं, यहाँ हमने गाड़ी का पास लिया क्योंकि गाड़ी अंदर पार्क होगी और हम पहुंच गए हैं सनवेल लगून वाटर पार्क, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर पार्क है भाई। यहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं तो इस बार भी हमारा प्लान यहीं का था क्योंकि यार बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, यहाँ की स्लाइडें बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अभी हम लेंगे टिकट्स, तो अब आगे व्लॉग कंटिन्यू आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज का व्लॉग जो है ना हमारा पिकनिक पे होने वाला है। आज जो है ना हम सारे के सारे पूरी पलटन आई हुई है, तो भाई साहब आज खूब इंजॉय होने वाला है। चलो चलो अभी जल्दी से, नहीं तो रश हो जाएगा, फिर जो है ना टिकट्स में जो है ना बहुत ज्यादा लंबी लाइन लग जाएगी। अभी जल्दी से जो है ना टिकट्स लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो शुरू करते हैं। खूब आज जो है ना हमने दिल भर के एक साल बाद मतलब सब नहा लेना, सबने एक साल बाद नहाएंगे आज सारे के सारे यहाँ पे जितने भी आए हैं। टिकट काउंटर में आप लोग रश देखें कितना ज्यादा रश है, और अभी तो हम जो है जल्दी पहुंच चुके, तो अभी थोड़ी ही देर में बहुत ज्यादा लोग और भी आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे। गर्मी बहुत जबरदस्त है यहाँ पे, देखें पानी जो है आते ही शुरू हो गया, टिकट्स हमारी आ चुकी हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा वॉइस ओवर क्यों कर रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आई हुई थी और भी लोग आ रहे थे, तो हर गाड़ी में लगभग जो है गाने चल रहे थे, तो गाने के इश्यूज़ की वजह से जो है ना मैं कॉपीराइट की वजह से जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है बैकग्राउंड में गाना आएगा ना तो उस वजह से मसला हो जाएगा। तो हम पहुँच चुके हैं सनवेल लगून वाटर पार्क के अंदर और ये पूरा जो नज़र आ रहा है ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, मतलब ये लॉकर रूम है, इधर चारों तरफ लॉकर ही लॉकर है, मतलब लॉकर से आप अंदाज़ा लगाएं कितनी आवाम यहाँ पर आती होगी। तो लॉकर में हमने सबने अपना सामान रख दिया और अभी जो है चेंज करके हम पहुंच चुके हैं पूल की वाली साइड में, और यहाँ पे पता है अभी मेरे साथ क्या हम सबके साथ होने वाला प्रैंक। अभी हम पूल की तरफ जा ही रहे थे कि वहाँ पे जो है ना हमजा का वॉलेट पानी के अंदर गिर गया था, ये जो है ऐसे ही कूद गया वॉलेट के साथ, तो ये देखें वॉलेट इसका पानी में तैर रहा, और अब हम भी अब आप लोग सोच रहे होंगे एकदम से अचानक से क्या हो गया भाई साहब, यहाँ पीछे से जो है ना अहमद भाई ने हम सबको जो है लगभग चार पांच सबको एकदम से धक्का दिया और हम सारे जो है पूल के अंदर जा गिरे। तो शुक्र है कि मैंने वक्त रहते ही अपना मोबाइल जो है ना वो पाउच के अंदर डाल लिया था, जो स्विमिंग पूल के अंदर लेके जाते हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता। तो खैर अब हम तरीके से जा रहे हैं, यहाँ पे शाहरुख भाई जो है ना ये चेक नहीं कर रहे कि इनका शॉर्ट फटा वटा नहीं है, यहाँ इनके पास हमने रखाई हुई थी चाबियाँ लॉकर की क्योंकि इनके शॉर्ट में जिप थी, तो ये वो चेक कर रहे थे कि मैंने जिप बंद करा है या नहीं करा। तो अभी जो है हम उतर चुके हैं पूल के अंदर, तो अभी पूल का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना, हम सोच रहे थे गर्मी की वैसे गर्म होगा लेकिन बहुत ज़बरदस्त ठंडा पानी था। आपके भाई ने एक ही झटके में नीचे जाके अपने आप को पूरा ही ठंडा कर लिया ताकि बार बार जो है ना ठंड महसूस ना हो, और भाई को देखें यहाँ पे स्विमिंग कर रहा, पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा और साफ़ सुथरा पानी था, इसी वजह से हम लोग जो है इस वाले वाटर पार्क में आते हैं। तो अभी जो है ना हमारी मस्तियाँ यहाँ पर फुल ऑन होने वाली हैं, और अभी जो है ना हम लोग एक गेम खेलेंगे ना, अभी देखें अभी हम खेलेंगे, यहाँ पर एक मछली पानी में गई, तो सबसे पहली मछली जो है ना पानी में जाते हुए ये गई एक मछली पानी में, और ये गई दूसरी मछली पानी में, और ये गया गेंडा पानी में। तो पोपट हो गया यहाँ पे जो है ना हमारा आते ही जो है ना इसने धक्का दिया, इस शख्स ने इसने धक्का दिया ना, उसकी वजह से जो है ना
हमारा ये जो कवर है जो पानी के अंदर हम लेके जाते हैं, ये जो है कहीं से लीक कर गया है और जिसकी वजह से जो है ना पानी अब अंदर जाने लगा। देखिए इसके अंदर पानी आपको नजर आ रहा होगा और वो तो शुक्र है मैंने देख लिया, वरना मोबाइल की ऐसी तस्वीर होती है। तो अब पता नहीं आगे की वीडियो कैसे कंटिन्यू करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी सारे खड़े हैं सोच रहे हैं कि यार अभी तो हम स्लाइड में गए भी नहीं और पहले ये काम हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा खुश करके एक दो बार जो है ना पानी में मतलब स्लाइड से आ जाएं और उसके बाद जो है ना फिर हम मोबाइल को रख देंगे साइड में, फिर एंजॉय करेंगे। क्या करेंगे, खराब हो चुका है ना। तो खैर यार अभी हम देखते हैं आगे स्लाइड में चलते हैं, इसमें डाल के देखते हैं, एक दो स्लाइड्स मारते हैं, अगर ज्यादा पानी जाएगा तो मोबाइल को रख देंगे। तो अब हम जा रहे हैं स्लाइड वाली साइड में और आज हॉलीडे की वजह से देखें इतना ज़्यादा रश है। ये देखें ये सारे यहाँ पे बैठे हैं, कह रहे कौन लगाएगा लाइन, हम तो नहीं लगा रहे। तो मैं और शाहरुख भाई हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब सबसे पहली स्लाइड बड़ी वाली होने वाली है। ये देखें ये आ गई है हमारी ट्यूब, काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद हमें एक ट्यूब मिल गई। ये तो अभी इसको उठा के हमें जाना है ऊपर, यार बहुत ही ज़्यादा ऊपर सीढ़ियाँ चलनी पड़ती है, लिफ्ट होनी चाहिए बंदे को आसानी देती है, ट्यूब के लिए भी लिफ्ट नहीं है। यहाँ पे ऊपर पहुँच के देखा तो यहाँ पे भी लाइन लगी हुई थी, इसी वजह से जो है ना हम आज पूरे ही ब्लॉग में सिर्फ 2 से 3 स्लाइड ले पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। अभी देखें यहाँ से कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, आवाम आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ती ही जा रही थी। ये गया भाई एक बंदा, जब इसको जाते हुए देख रहा तो हमारा थोड़ा सा जो है ब्लड प्रेशर लो हो गया था क्योंकि भाई यहाँ से ये जब गए ना हमारी हवा टाइट हो गई, हमारी सांसें रुक गई। सांसें रुकने के बाद भाई साहब मैंने सोचा कि थोड़ा जाके आराम कर लेते हैं इनके पास बैठ के, तो एकदम ऊपर से बाल्टी में जो पानी गिरा और हालत देखें क्या हो गई, ये बालों की बाल सारे खुल चुके थे। तो अब मैंने और शाहरुख भाई ने डिसाइड करा कि हम बड़ी स्लाइड में नहीं जाएंगे, उसमें खतरा है, हम छोटी वाली स्लाइड में बच्चों वाली स्लाइड में जाएंगे। तो यहाँ पर आपका भाई फुल बच्चों वाली स्लाइड में बच्चा बन के बैठ गया, जो बीच रास्ते में मैं रुक गया था मतलब ना ये ऊपर ना ये नीचे। तो उसके बाद हमने दोबारा डिसाइड करा कि यार बच्चों वाली तो काम की नहीं, अब दोबारा से दूसरी बड़ी स्लाइड में जाते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने जाना है सबसे टॉप पर 3rd-4th फ्लोर पर और हमें ट्यूब जो है लकली मिल गई। तो मैं और शाहरुख भाई फिर से जा रहे हैं क्योंकि हम दोनों ही जा रहे थे, बाकी सब जो है ना फट्टू थे, इनकी बहुत ज़्यादा इनको डर लग रहा था। तो ये वाली स्लाइड में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा तो आ रहा था शुरू शुरू में, लेकिन जब इसने स्पीड पकड़ी तो हमारी यहाँ पे भी हवा टायर्ड हो गई। तो मतलब भाई यहाँ पे कोई भी स्लाइड आसान नहीं है, यहाँ पे हम अपने दोस्तों का वेट करते हुए इन दोनों को बड़ा ही जिद करके हमने बिठाया था और बैठने के बाद ये वाकई कह रहे थे कि यार मज़ा आ गया बहुत ज़बरदस्त है। तो इन्होंने पूरे दिन में सिर्फ एक ही स्लाइड मारी और हम लोगों ने लगभग 3 से 4 मार ली थी। तो उसके बाद दोबारा ट्यूब लेके हम जाने लगे, लेकिन पीछे से लड़कों ने शोर मचा दिया, नहीं भाई यार हमारा भी नंबर आएगा, रश की वजह से क्या करें, नंबर इतना लेट आया था। उसके बाद हमने लगाया खाना और खाने में थी हमारे पास चिकन कढ़ाई, साथ में कुलचे जो हमारे अपने ही दुकान के थे। तो भाई खाना हमने खाया पेट भर के, सब ने जो है मतलब उंगलियां चाटी। कढ़ाई जो है भाई ने बनाई हुई थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनाई थी, रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे हमने तैयार करी थी। तो अभी जो है हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब जो है घर जाने की वापसी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए ना यार, अब सारा दिन नहा नहा के जो है ना एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई थी। रास्ते में जो है मुझे मेरे कपड़ों जैसा जो है ना एक चिंची नज़र आया, तो मैंने मुजम्मिल को कहा भाई साहब इसके साथ ज़रा मेरी वीडियो बनाओ और थोड़ा सा फोटो शूट करो। और मतलब मैं जब इसके साथ खड़ा हो रहा था ना तो पता ही नहीं चल रहा था कि चिंची के साथ कोई आदमी भी इसके साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, शर्ट तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, बिल्कुल मैच कर गई थी। थोड़ा सा फोटो शूट करने के बाद जो है हम लोग निकल पड़े वापसी के, और रास्ते में हमने रुक के एक होटल पर ना थोड़ा सा शाम का मतलब वैसे ही लगभग थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लिया, जो हमारा थोड़ा सा सालन बच गया था वो हमने वाला खा लेते हैं, साथ में हमने चाय मंगाई, चाय के साथ केक वगैरह। और यहाँ पे आपके भाई को जो है ना मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ नज़र आ गई, वो ये थी कामूरी नस्ल की बकरियाँ। भाई बहुत ही ज़्यादा क्यूट किस्म की ये बकरियाँ थी और माशाल्लाह साथ में ये 2 बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे, इनके कान देखें कहाँ तक हैं, कितने लंबे लंबे इनके कान हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ माहौल बना हुआ था फुल गाँव वाला। और वैसे भी हम गए भी थे बहुत दूर, थे कराची से बाहर ही निकले हुए थे लगभग। तो यहाँ पे देखें हमजा बकरी के बच्चों को प्यार कर रहा, और दोनों जो है एक मेल था एक फीमेल थी, हमने इनको प्यार करा, साथ में जब सब फारी हो गए तो अब घर की तरफ आ गए और बाकी का व्लॉग जो है इंशाल्लाह घर जाके शूट करेंगे।